बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को बढ़ाते हुए एक और न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं। इंशाल्लाह आज वाली इस क्लास में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के मुतल्लिक सीखेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए क्लास है जिन्होंने आज तक कभी कोई क्लास अटेंड नहीं की। जैसा कि हमने पहली क्लास में ही आप सभी को ये बताया था कि ये जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारा जो टारगेट है वो है ज़ीरो लेवल स्टूडेंट। और इस कोर्स को हम बिल्कुल बुनियाद से स्टार्ट करेंगे। तो देखें, आज हम इंग्लिश की अल्फ़ाबेट से ही इस कोर्स की इब्तिदा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज वाली इस क्लास में हम आपको इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसके मुतलिक सिखाएंगे कि इंग्लिश की अल्फ़ाबेट कौन सी होती है। तो जिन लोगों को इंग्लिश की अल्फ़ाबेट के मुतलिक इल्म है वो भले इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट बेसिक से इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं उन्हें इस वीडियो को भी कंप्लीट देखना है ताकि इनको जो भी कोर्स मिले वो मुकम्मल तरह से सीख सकें। तो चले आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखें, इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट के अंदर दो तरह के लेटर होते हैं। एक होते हैं कैपिटल लेटर और दूसरे होते हैं स्मॉलेस्ट लेटर। अब कैपिटल लेटर कौन से होते हैं, स्मॉलेस्ट लेटर कौन से होते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में सीखते हैं। देखें, मैंने यहाँ पे ए से लेके जेड तक मुकम्मल एबीसी लिखी हुई है, यानी ए से लेके जेड तक ये जितने भी आपको लेटर नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पे लिखे हैं सबकी आवाज़ चेंज है, सबकी जो साउंड है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें, जितने भी आपको ये ब्लैक लेटर नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ें नोट कर लें। जितने भी इसके अंदर आपको ब्लैक लेटर नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें जितने भी ब्लैक लेटर हैं ये सारे कैपिटल लेटर हैं। इनको हम कहते हैं ये इंग्लिश की अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर हैं। और ये जितने भी आपको रेड वाले लेटर नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी रेड लेटर हैं हम इन्हें कहते हैं स्मॉलेस्ट लेटर। ठीक है, ये आप पहले ही क्लियर कर लें कि इंग्लिश के अंदर स्मॉलेस्ट लेटर कौन से होते हैं, कैपिटल लेटर कौन से होते हैं, हम इसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखकर भी आपको समझाते हैं। आपने कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ये क्लास बिल्कुल बेसिक पे ही रहेगी। सबसे पहले ए, हम इसे क्या कहते हैं, ए। और ये बराबर में जो छोटा रेड में लिखा हुआ है ये भी ए है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट में है और ये कैपिटल में है। ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ, जी जी, एच एच, आई आई, जे जे, के के, एल एल, एम एम, एन एन, ओ ओ, पी पी, क्यू क्यू, आर आर, एस एस, टी टी, यू यू, वी वी, डब्ल्यू डब्ल्यू, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड। तो इस तरह से ये इंग्लिश की अल्फ़ाबेट पढ़ी जाती है। अब देखिए, मैंने इसे काफ़ी स्लो पढ़ा ताकि आपको जो भी लेटर हैं उनकी साउंड की पहचान हो जाए। अब मैं दोबारा एक ही वॉइस में पढ़ता हूँ, आप क्लियर करें कि कौन से लेटर की कौन सी साउंड है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल
एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये है हमारी इंग्लिश की अल्फ़ाबेट। तो अब आपने क्या करना है, इस अल्फ़ाबेट को अपनी कॉपी में लिख देना है। सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में लिखें, जो बिल्कुल न्यू लर्नर हैं, जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती, तो स्पेशली वो स्टूडेंट इस अल्फ़ाबेट को अपनी कॉपी में लिखें। उसके बाद इनकी साउंड को पहचानें, जिस तरह से मैंने पढ़ा है, आप वन बाय वन इन लेटर्स की साउंड को पहचानें और इस तरह से इस पे प्रैक्टिस करें। जो बिल्कुल न्यू है, मुझे नहीं लगता कि इस कोर्स को ऐसे भी लोग सीख रहे होंगे जिन्हें एबीसी भी नहीं आती होगी। आई होप एबीसी जो है वो सबको आती होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हमारे इस कोर्स के अंदर हैं, तो वो काइंडली इन ये जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाले, इन सबको लिखें, इन पे प्रैक्टिस करें और इनकी साउंड को पहचानें और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि यही इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और यही इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल बेस है। तो इनको लिखने का तरीक़ेकार ये है, अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई भी आपको कहे लिखो एन, तो इस तरह से एन लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है इंशाल्लाह राइटिंग की जो क्लास है, लिखने वाली जो क्लास है, वो इंशाल्लाह एक अलग क्लास होगी जिसमें हम आपको लिखना सिखाएंगे। तो आज की वीडियो यही थी, तो इंशाल्लाह अब हम आपकी खिदमत में एक और न्यू क्लास के साथ पेश होंगे। तब तक दे हमें इजाज़त, अल्लाह।